नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार मिशन 2025 यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने एडी चोटी का जोर लगाते हुए अपनी कमर कस ली है। यानी कि अब विधानसभा चुनाव टारगेट करने के लिए 243 सीटों पर पहुंचेंगे तेजस्वी यादव, यानी कि भ्रमण करेंगे। बता दें आपको कि विधानसभा के 243 सीटों पर तेजस्वी यादव अब अपनी यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश करेंगे, उनके हौसले को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीट आरजेडी के झोली में आ सके। इसको लेकर तेजस्वी यादव अब तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि 17 अगस्त को यानी कि अब राज्यव्यापी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। बता दें आपको कि इसकी जानकारी खुद आरजेडी प्रवक्ता ने दी है। बताएं आपको तो नेता प्रतिपक्ष आरजेडी लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अब शुरुआत हो चुका है, वो भी विधानसभा चुनाव को टारगेट करने के लिए। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तस्वीर आपको याद होगी, जहां पर ताबड़तोड़ रैली तेजस्वी यादव ने की थी। अब जाकर तेजस्वी यादव विधानसभा के 243 सीटों को कवर करने के लिए अभी से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 17 अगस्त से होने वाली है। बता दें कि पहले चरण की शुरुआत वाल्मीकि नगर से होगी और यहां पर अंतिम होगा जहां किशनगंज में अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे। यह पहले चरण का यात्रा होगा, हालांकि अन्य चरणों में मिलाकर 243 सीटों को तेजस्वी यादव कवर करने वाले हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैली देखने को मिल सकती है। याद होगा कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण, लोकतंत्र और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाकर तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एनडीए को चोट देने का काम किया है। तो इस बार भी विधानसभा चुनाव को टारगेट करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मैदान में उतर चुके हैं। शुरुआत वाल्मीकि नगर से होगी। बता दें कि वाल्मीकि नगर में आदिवासी और पिछड़े समाज के वर्गों के मतदाता हैं और यहाँ पर अच्छी खासी देखे जाए तो पारंपरिक वोटर्स तेजस्वी यादव के लिए बने हुए, खासतौर पर आरजेडी के लिए, यानी कि अति पिछड़े और साथ ही साथ पिछड़े समाज और आदिवासी समाज के परंपरागत वोटर के लिए अब तेजस्वी यादव का खास क्षेत्र रहा है वाल्मीकि नगर, और इसलिए शुरुआत यहीं से की जा रही है। बता दें कि इस यात्रा के तहत एनडीए की विफलताओं को गिनवाया जाएगा। हालांकि बता दें कि खास तौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की विफलताओं को लेकर उजागर करते हुए यह यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि तमाम 243 सीटों पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा ना दिलाने को और साथ ही साथ बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल ना कर पाए और साथ ही बेरोजगारी की बढ़ती सीमा को लेकर यह यात्रा की जाएगी, जिसमें एनडीए की विफलताएं और साथ ही साथ नीतीश कुमार की विफलता, जो कि इन तीन प्रमुख मुद्दों से जुड़ी हुई है, जो कि नीतीश कुमार नहीं करवा पाए और इसी को तेजस्वी यादव उठाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, ताकि उनके हौसले बुलंद हो सके और आगामी विधानसभा चुनाव में जमीनी कार्यकर्ता जुड़ सके और अच्छा प्रदर्शन कर सके, ताकि अच्छे खासी सीट यानी कि 243 सीट जीत आरजेडी के झोली में आ सके। हालांकि तेजस्वी यादव का यह महत्वपूर्ण यात्रा कितना सफल होगा, आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।